जय जवान जय किसान, राम राम नमस्कार किसान मित्रों। किसान वीरों में महेंद्र भाटी फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान मित्रों फिर से हाजिर है एक और वीडियो में। जानेंगे आज राजस्थान की प्रसिद्ध अनाज मंडी बाड़मेर की अनाज मंडी व जोधपुर की बासनी व मंडोर अनाज मंडी में आज जो है अनाज के भाव किस तरह रहे। आज गेहूं, मूंग, तिल, तारा मीरा, गवार व ज्वार के भाव किस तरह रहे। मूंगफली के भाव में क्या तेजी मंदी देखी गई है। सरसों व ग्वार गम की सबसे ऊंची बोली क्या व किस मंडी में लगी है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। साथ ही वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर ऐसे ही वीडियो रोज पाने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। साथ ही आप जिस भी अनाज मंडी के भाव जानना चाहते हैं उस मंडी का नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में आपकी मंडी के विषम प्रभाव बताए जाएंगे। आइए हम तो जान लेते हैं आपकी पसंद की अनाज मंडी जोधपुर की मंडी व बाड़मेर की मंडी में आज जो है अनाज के भाव में क्या तेजी मंदी देखी गई है। सबसे पहले बात करेंगे बाड़मेर की मंडी में। गेहूँ जो है 2150 से लेकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल, बिका हुआ देसी गेहूँ 1482 2600 से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। बाजरे के भाव 2200 से लेकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुआ। ज्वार के भाव 2600 से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। जौ के भाव 2600 से लेकर 2800 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुआ। ग्वार लूज के भाव 6300 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। ग्वार डिलीवरी के भाव 6500 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुआ। जोधपुरी ग्वार 6300 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। ग्वार गम के भाव 13000 रुपये प्रति क्विंटल तक किसान मित्रों बिका है। सरसों के भाव 6000 से लेकर 6500 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुई। मूँगफली के भाव 6000 से लेके 6700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। मोट के भाव 6000 से लेके 6800 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुई। मूँग के भाव 6000 से लेके 6500 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। मेथी के भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक किसान मित्रों बिका है। चने के भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुई। काबुली चना 11000 से लेके 12000 रुपये प्रति क्विंटल तक बाड़मेर की मंडियों में बिका है। भाई किसान तो जान लेते हैं जोधपुर की प्रसिद्ध अनाज मंडी में आज जो है अनाज के भाव में क्या तेजी मंदी देखी गई है। गेहूं लोकवान के भाव 2000 से लेके 2500 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुआ। देसी गेहूं 2600 से लेके 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। पुराना मूंग 5000 से लेके 6500 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुआ। नया मूंग 6500 से लेके 7500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। मोट के भाव 5500 से लेके 6500 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुआ। सरसों के भाव 6000 से लेके 6700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। उड़द के भाव 6000 से लेके 6500 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुआ। पीली सरसों छोटी साइज के भाव 6300 से लेके 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। पीली सरसों बड़ी साइज के भाव 7500 से लेके 7600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका हुआ। अरंडी छोटी साइज के भाव 6600 से लेके 6800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। अरंडी बड़ी साइज के भाव 5800 से लेके 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका हुआ। तारा मीरा के भाव 5000 से लेके 5100 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। ग्वार लोकल के भाव 6000 से लेके 6200 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुआ। ग्वार डिलीवरी के भाव 6300 से लेके 6400 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। ग्वार गम 12500 से लेके 13000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका हुआ। जीरा के भाव 20000 से लेके 23000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। इसबगोल के भाव 12000 से लेके 13000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका हुई। मतिरा बीज देसी के भाव 10000 से लेके 12000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। बाजरा के भाव 1800 से लेके 2100 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका हुई। ज्वार के भाव 2000 से लेके 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। जौ के भाव 2700 से लेके 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। चने के भाव 4700 से लेके 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। तिल के भाव 8500 से लेके 9000 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुआ। सफ़ेद तिल के भाव 9000 से लेके 10000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। काबुली चना 9300 से लेके 11000 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुआ। मेथी के भाव 6500 से लेके 7200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। धनिया के भाव 13000 से लेके 18000 रुपये प्रति क्विंटल बिका हुआ। लहसुन के भाव 3500 से लेके 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक जोधपुर की मंडियों में किसान मित्रों बिका है। तो किसान मित्रों आशा करता हूँ कुछ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर ऐसे ही वीडियो रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।